दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल टेक्नो रेंज में। गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके अकाउंट में डायमंड्स हो चुके हैं, स्टार मेकर अकाउंट में डायमंड हो गया है और यहाँ पे आपके $100 कंप्लीट हो गए हैं और आप उसको चाहते हैं विड्रॉ करना, तो कैसे कर सकते हैं सीधा सीधा अपने बैंक अकाउंट में, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। गाइज तो ये वीडियो अभी तक हमारे चैनल पे आपको नहीं मिली थी क्योंकि मैंने कभी भी स्टार मेकर पे अर्निंग नहीं की है और इसलिए मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं बना पाया जिससे आपको यहाँ पे जो है दिखा सकूँ कि भाई विड्रॉ कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइज हमारी टेक्नोरेंज की एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है और यहाँ पे अपना अकाउंट मुझे दिया है जिससे मैं इसको विड्रॉ कर सकूँ और आप सबको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा सकूँ। तो गाइज यहाँ पे देख लीजिए इनकी आईडी है, इन्होंने अपना आईडी पासवर्ड हमें शेयर किया है क्योंकि टेक्नोरेंज पे सभी लोग विलीप करते हैं। तो यहाँ पे गाइज जो है आपको सेटिंग्स के आइकन पे जाना है और यहाँ पे देख लीजिए इनके अकाउंट में जो है फिलहाल के लिए 92 के डायमंड्स हो चुके हैं। मीन्स यहाँ पे अप्रॉक्स इनका जो अर्निंग अमाउंट है वो है 11,459 रुपये। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे गाइज इसको मैं करूँगा बैंक में ट्रांसफ़र और यहाँ पे जैसे ही ये मेरे अकाउंट में आ जाएगा मैं सीधा सीधा मैम को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगा ये सारा अमाउंट। तो इसके लिए गाइज अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा, इन्होंने एक्चुअली अपने अकाउंट में ट्राई किया था लेकिन इनके अकाउंट में जो है वो बैलेंस विड्रॉ नहीं हुआ, फेल्ड होके आ गया। वहाँ पे लिख के आ गया कि आप जो है कोई दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करें। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट प्राइवेट बैंक्स होने चाहिए। प्राइवेट बैंक्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, जैसे आपका HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो अब यहाँ पे गाइज यहाँ पे देखिए विड्रॉ के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, इसके बाद में एग्री एंड कंटिन्यू क्लिक कर देना है। गाइज यहाँ पे आपके पास में दो अकाउंट होने चाहिए, मीन्स दोनों में से कोई सा भी एक अकाउंट होना चाहिए, या तो अगर आपका पेयोनीर अकाउंट है तो आप इस पर कर सकते हैं, नहीं तो आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैनुअली भी अगर यहाँ पे डॉलर्स फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, जैसे अगर आपको $100 चाहिए तो यहाँ पे आप $100 भर दीजिए। तो यहाँ पे 100 जैसे ही आप लिखेंगे गाइज तो यहाँ पे आपका टोटली अमाउंट आ जाएगा कि कितने डायमंड आपके कट होने वाले हैं। अगर आप $200 यहाँ पे फिल करते हैं तो आपका 100,000 यहाँ पे डायमंड कट होगा। लेकिन गाइज यहाँ पे सिंपली मुझे करना है केवल $100। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं जो है $100 लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है, फिल करने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे हमारा जो 50,000 क्वाइंस है वो कट हो जाएगा, सॉरी डायमंड्स जो है वो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइज अब सिंपली मैं बैंक ट्रांसफ़र करूँगा और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पे सिंपली ऐड बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, इसमें बैंक अकाउंट ऐड करूँगा एंड कंफर्म क्लिक कर दूंगा। तो चलिए फटाफट हम ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कंट्री डालना है, बैंक कोड डालना है, इसके बाद में बैंक नेम डालना है, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, यहाँ पे आपको अपना पोस्टल कोड जो भी एरिया कोड हो आपका वो डाल देना, एड्रेस डाल देना, सिटी डाल देना और स्टेट आपका डाल देना। तो यहाँ पे सारा कुछ मैं यहाँ पे फिल करने वाला हूँ, जो भी आपके बैंक अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ पड़ी हो वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो विड्रॉ है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली चलिए सारा कुछ हम फिल कर लेते हैं, उसके बाद में हम कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे गाइज एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो बैंक कोड होने वाला है ये आपका IFSC कोड होगा, तो जो भी आपके बैंक का IFSC कोड है वही यहाँ पे फिल कर देना है क्योंकि यहाँ पे IFSC कोड का कोई भी अलग से ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे बैंक कोड का मतलब आपका IFSC कोड ही हुआ, तो IFSC कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। तो चलिए फटाफट हम सारा कुछ फिल कर लेते हैं और उसके बाद में आगे का प्रोसेस आपको समझा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपका अकाउंट नंबर, आपका बैंक नेम जो कुछ भी होगा लिख के आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे बस इस पर ऐसे ही टिक लगा देना है। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं यहाँ पे टिक जो है हमारा वो फाइनली लग चुका है। अब आपको करना क्या होगा, नीचे आपको कंफर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाइड देखिए सक्सेसफुली हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट टेक्स 7 to 14 वर्किंग डेज फॉर रिव्यू। यहाँ पे जो है रिव्यू के लिए 7 से 14 दिन के बीच में रिव्यू के लिए जाएगा, उसके बाद में गाइज आपके अकाउंट में जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली गाइज जो है मैंने ये डायमंड हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो गए होंगे। चलिए हम देख भी लेते हैं कि हमारे अकाउंट से जो है डायमंड कट हुए या नहीं। तो यहाँ पे सिंपली जो है तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज हमारे अकाउंट से जो डायमंड है वो फाइनली कट हो चुके हैं। अब अगर यहाँ पे सारा कुछ सही होता है, अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हमारे अकाउंट में जो है सक्सेसफुली ये जो बैलेंस है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहें गाइज तो यहाँ पे पेयोनीर अकाउंट पे भी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पेयोनीर अकाउंट कैसे बनाते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख लें, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप जो है वीडियो चेकआउट कर लें। तो अगर आप चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं।
और यहाँ पे डायरेक्टली बैंक में चाहे बैंक में भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो बैंक होता है वो भी यहाँ पे कुछ कमीशन जो है चार्ज करता है, तो कुछ ना कुछ कमीशन यहाँ पे बैंक भी लेता है, कुछ फीसेस जो है बैंक लेता है अपने हिसाब से, तो वो फीसेस भी आपकी कट होंगी। प्लस अगर आप पेयोनीर पे करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ फीसेस लगती हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्टार मेकर पे जो है अपने डायमंड को ट्रांसफर करते हैं सीधा अपने बैंक अकाउंट में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।